हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो जुलाई 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का पार्ट 8 है। और इससे पहले हमने जो पार्ट 7 कवर किए हैं उसके अंदर हम लास्ट प्रादेशिक परिदृश्य तक पहुंच गए थे। आज हम इसको प्रोबेबली कंप्लीट कर देंगे और इसके अलावा जो है खेल परिदृश्य को भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो मैगजीन है आप सभी जानते हैं कि RPSC से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम है, वेदर इट इज़ RAS और आपका जो सब इंस्पेक्टर पटवारी है, जो भी एग्जाम आपके आएंगे जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है वहाँ ये मैगजीन आपके लिए काफ़ी काम की है। तो आप इस मैगजीन को सप्लीमेंट्स के साथ में लें, जैसे कि आप अखबार के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप इसमें लिख सकते हैं, प्लस जो आपकी मूमल मैगजीन आती है उसमें स्टेट रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको भी आप इसी में ऐड ऑन कर लीजिए, ताकि इस मैगजीन में आपका सारा जो करंट अफेयर है वो कवर हो जाए। और रिवाइज करिए इसको कम से कम 2 से 3 बार। एक तरीके से मैं दवाई लिख के दे रही हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है, कि आप एक बार इसको रीड कीजिए और फिर इसको जो है 2 से 3 बार एग्जाम से पहले रिवाइज कीजिए, तो आपका करंट अफेयर्स जो है वो तैयार प्रोबेबली जितने भी क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे। अब वहाँ पर यही पूछ ले कि मेरे मामा का नाम क्या है, तो वो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। बाकी तो जितने सवाल होंगे वो प्रोबेबली यहाँ इन मैगजीन से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस मैगजीन को आप फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। लेकिन अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RAS एंड IAS उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये मैगजीन और इस तरीके की जितनी भी मैगजीन हमने कवर किए 2020 से, उन सभी का PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो हमारा वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने छोड़ा था वो हमारा था सांख्यिकी दिवस समारोह, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश की जो ओरण भूमि है, प्रदेश की जो ओरण भूमि है उसका सीमांकन किया जाएगा। ये हमारे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी है, उन्होंने इसकी पहल की है। तो पहले तो ये समझे कि ओरण भूमि होता क्या है। तो अपन तो समझते हैं कि गाँव में रहते हैं, ओरण भूमि हमें लगभग पता ही रहती है कि जो एक तो गोचर की भूमि होती है यानी कि जहाँ पे गायें चढ़ती है, और एक जो खाली छोड़ी हुई ज़मीन होती है या मंदिर के पास वाली जो ज़मीन होती है उसको ओरण भूमि कहा जाता है। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम बेसिकली ये आती है कि इनकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इन भूमियों की फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इंक्रोचमेंट की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कि कई लोग गोचर की भूमि को कहते हैं ना गबन कर लिया, इसी को खा लिया, तो वो इंक्रोचमेंट कहते हैं यानी अतिक्रमण कर लेते हैं उसके ऊपर। दूसरा ये है कि इनके इनमें एक प्रॉब्लम और ये होती है कि यहाँ पर जो है, क्योंकि इसका कोई धनी धुरी तो होता नहीं है, तो कोई हो सकता है कि कोई इसका ख्याल रखे, हो सकता है नहीं रखे, यानी कि संरक्षण कोई करे या ना करे, तो वो भी डिफाइन नहीं है। तो इसलिए इनमें बंजर होने का, इस भूमि का या इसका मिसयूज़ होने का काफ़ी चांस रहता है। तो मंत्री जी ने ये कहा है, बैठक जो ली है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो अधिनियम है, कौन से, राजस्थान उपनिवेश अधिनियम 1954, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, इनमें जो है इनकी प्रक्रियाओं के अंदर जो है, सॉरी इनके जो प्रावधान है उनमें सरलीकरण करके, संशोधन करके जो ओरण भूमि है उसको डिफाइन किया जाएगा, यानी उसकी एक परिभाषा दी जाएगी, ताकि उसका संरक्षण जो है वो हो सके और उसको उपयोग में लाया जा सके, ठीक है। इतनी जो भूमि होती है, भूमि का है तो एक टुकड़ा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो भूमि जो है वो बंजर ना हो और उसमें जो है उपयोगिता जो है उसकी बढ़ाई जा सके, इसलिए जो है इन प्रावधानों के अंदर बदलाव किया जाएगा। अब जितने भी RAS मेंस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से देखें कि आपका जो 20 नंबर का एक लॉ का पेपर होता है मेन्स के अंदर, उसके अंदर आपको ये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम और ये जो आपका काश्तकारी अधिनियम है ये पूरा पढ़ना है। तो जब भी इसकी डेफिनेशन आ जाए, परिभाषा आ जाए, अभी तो वेबसाइट पर ही नहीं है, जब भी आ जाए तो आप इसको इसी मैगजीन में अपडेट कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, पेयजल नमूनों की जांच अब ग्राम स्तर पर होगी। तो ये जो है आपका जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये कार्य किया गया है। पहले तो ये समझते हैं जल जीवन मिशन क्या है। देखिए, केंद्र सरकार की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हर घर नल से जल, ठीक है, हर घर नल से जल, यानी कि सभी घरों को, ग्रामीण जो घर हैं, रूरल हाउस होल्ड्स, उनको जो है 2024 तक फंक्शनल टैप्स, फंक्शनल टैप्स यानी कि जो चलते हों, ऐसा नहीं कि नल लगा के छोड़ दिया, पानी भी आना चाहिए, तो वो जो है फंक्शनल टैप्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे 2024 तक, ये करने की घोषणा है। और इसके लिए सभी स्टेट्स को जो है, यानी राज्यों को जो है, गाइडलाइन भी जारी की गई थी। तो उसी के तहत राजस्थान में ये कार्य होता है। अब आपको हर बार याद रखने की ज़रूरत नहीं कि इतने गाँवों को पानी जो है नल से जल प्रोवाइड करा दिया गया है। तो इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पेयजल के नमूनों की जांच होगी, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, इसके अलावा JJM की गाइडलाइन के अनुसार राज्यों में 102 पंचायत समिति मुख्यालयों पर चालू वित्तीय वर्ष में लेबोरेटरीज की स्थापना भी की जाएगी, जो कि इनकी टेस्टिंग कर सके, केमिकल फ्री वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें अपडेट है, लेकिन आपको मेन जो है योजना के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है खाद्य प्रयोगशालाओं को, यानी कि जो फूड लैबोरेटरीज़ होती हैं उनको NABL की मान्यता मिली है। तो राजस्थान की ऐसी 9 लैबोरेटरीज़ हैं, उनको जो है
NABL जो है जिसको बोलते हैं अपन नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ये जो है ये एक राष्ट्रीय संस्थान है और इसका जो हेडक्वार्टर है NABL का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव के अंदर है, जिसको गुरुग्राम भी बोलते हैं, तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसने राजस्थान की जो प्रयोगशालाएं हैं जो कि मिलावटों की, यानी कि फूड में जो एडल्ट्रेशन होता है ना, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, उसकी जांच करती है, तो इसको जो है मान्यता दिया है। मान्यता देने से होगा क्या कि अब इनकी जो जाँच रिपोर्ट होगी ना उसकी वैल्यू इंटरनेशनल लेवल की होगी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के मानक जो है, स्टैंडर्ड जो है, उसके आधार पर जो है इनकी रिपोर्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखिए ये जो प्रयोगशालाएँ कहाँ कहाँ पर है, तो हमारे जयपुर में है, फिर जोधपुर में है, उसके अलावा कोटा में है यानी बड़े शहरों के अंदर है, उदयपुर में है, फिर अजमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, अलवर, बीकानेर, यहाँ पर जो है ये 9 प्रयोगशालाएं हैं, इन सभी को जो है इसकी मान्यता भी दी गई है। उसके अलावा देखिए कि जो मिलावटी चीज़ें होती है, जैसे त्यौहारी सीज़न होता है, जैसे कि दिवाली है, होली है, यहाँ पर जो मावा जब हम खरीदते हैं तो उसमें ज़्यादा मिलावट होती है, तो उस समय हमारी जो राज्य सरकार है उसके द्वारा एक और जो है अभियान चलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ठीक है। उस समय व्यापक पैमाने पर जो है जांचें होती है और जो है मिलावटी चीज़ों को नष्ट किया जाता है, तो इस अभियान के बारे में भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सो इसके बारे में आपको जो है ये चीज़ें जाननी चाहिए। और इसके अलावा जो है अभी एक बिल और लाया जाएगा, जिसमें बिल का तो प्रस्ताव किया गया है, इसको एक्ट बनाया जाएगा कि जो भी ये मिलावट करता है उनको जो है गैर जमानती सज़ा जो है वो दी जाए, ठीक है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाएगा इसको, नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में जो है मिलावटखोरी को इंक्लूड किया जाएगा। वैसे भी सही भी है कि किसी की हेल्थ के साथ में खिलवाड़ करना एक तरीके से हत्या करने के बराबर ही होता है, तो इसलिए इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत लाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नन्हे हाथ कलम के साथ, तो ये क्या है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये जो 12 जून को जो है मनाया गया था, उस दिवस पर जो है ये जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, ये जो प्रोग्राम है इसको शुरू किया गया है। ये एक तरीके से जागरूकता अभियान है, यानी कि अवेयरनेस प्रोग्राम है, और इसको करने वाला जो इसको स्टार्ट करने के लिए जो है, एक तो हमारा जयपुर का श्रम विभाग, दूसरा जो है यूनिसेफ, और तीसरा जो है एक पिंक सिटी साइकिल रिक्शा संस्थान है जिसको NGO कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत ये लोग करेंगे क्या, पहली चीज़ तो ये कि जो बाल श्रम है यानी कि चाइल्ड लेबर है उसके लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो है जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, और दूसरा जो है कोरोना से सुरक्षा से संबंधित संदेश भी जो है वो आमजन को पहुँचाएंगे, ठीक है। तो जितने भी जयपुर ज़िले के छोटे छोटे दूर दराज के गाँव हैं वहाँ पर जो है इस जागरूकता अभियान को ये लोग जो है वो चलाएंगे, तो ये इसका मुख्य कार्य होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध किससे है, पूछ लिया जाए कि जो है नन्हे हाथ कलम के साथ इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो इसलिए इसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे न्यूज़ आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो बाखासर है, बाखासर जो है बाड़मेर के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर जो है राजस्थान का या जो है देश का पहला जो सूखा बंदरगाह होता है ना, बंदरगाह समझते हैं पोर्ट, तो सूखा बंदरगाह जो है वो बनाया जाएगा, उसका प्रस्ताव किया गया है। ये प्रस्ताव भी जो है हमारे राजस्व मंत्री जो है उन्होंने किया है, और ये इन्होंने इनके करने से पहले भी जब वसुंधरा राजे गवर्नमेंट थी तब भी इसका प्रस्ताव किया गया था कि जो बाखासर है, ठीक है, यहाँ पर जो है एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट बनाया जाए। ऐसा क्यों प्रावधान किया गया है, तो आप मैप देखिएगा तो मैप में आपको पता चलेगा कि ये जो गुजरात है यहाँ का जो कच्छ ऑफ रण है वहाँ से जो है ये जो बाखासर है उसकी बॉर्डर मिलती है, तो ये जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, जल के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें सहयोग कर पाएगा, यानी यहाँ बंदरगाह बन गया तो यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी हो जाएगा और कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये बाखासर जो है इसका बॉर्डर कहाँ से लगता है, तो जो रण है कच्छ का रण जो है जो कि गुजरात में है वहाँ से लगता है। एक जो है 2012 में 13 में शायद एक क्वेश्चन आया था कहीं पर, मैंने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो है वो गुजरात से लगती है, ठीक है, तो गुजरात से सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है, तो सबसे कम सीमा जो है वो बाड़मेर की लगती है, ठीक है। कई लोग उसको उस समय गलत करके आए थे, ऐसे किसी टीचिंग लेवल का ये एग्ज़ाम था, तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। तो बाखासर के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये जो है बाड़मेर जिले का है, और ये जो है इस यहाँ पर बंदरगाह निर्माण की बात की जा रही है, और सूखा बंदरगाह होगा पूरे प्रदेश का भी और पूरे देश का भी, ठीक है, पहला सूखा बंदरगाह ये बनेगा। और इसके लिए जो है जितने भी ये जो प्राइवेट फॉर्म्स है, जैसे अडानी ग्रुप है,
इन सबको जो है इन्वाइट किया जा रहा है ताकि ये जो है यहाँ पर निवेश करके इसको डेवलप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 7R सम्मेलन, 7R कॉन्फ्रेंस। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7R कॉन्फ्रेंस का संबंध किससे है। तो देखिए, इसको जो है पर्यावरण दिवस के ऊपर जो है लॉन्च किया गया था, ये इसका चौथा संस्करण था और इसको लॉन्च करने वाले थे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरा है भारतीय उद्योग परिसंघ। इतना याद नहीं भी रहे तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो 7R सम्मेलन है इसका संबंध जो है पर्यावरण के संरक्षण से है। ठीक है, और 7R का मतलब यहाँ पे क्या है, वही जो हम पहले जो हमारे NCERT या CBSE किताबों में पढ़ते थे, रीयूज, रिड्यूज, रिफ्यूज, रिफर्बिश, रिकवर, रिसाइकिल, रीथिंक, तो इस तरीके से 7R जो हैं उन पे कार्य करना, उनके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, ये इसका उद्देश्य था। ये है 7R सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट है पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी। तो ये पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी क्या है, तो पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो बजट घोषित हुआ था अभी रिसेंट वाला 2021-22 वाला, उसके अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि जो है पशु चिकित्सा सेवाएं जो है यानी कि एनिमल हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उनको सुदृढ़ और आधुनिक बनाए जाने के लिए राज्य के प्रत्येक पशु चिकित्सालय के अंदर यानी जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स है वहाँ पर इस प्रकार का राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी की जो है उसका गठन किया जाएगा। देखिए, एक तो होता है हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर में तो आपको डॉक्टर्स चाहिए जो कि वेल क्वालिफाइड होते हैं, उसके वेल ट्रेंड होते हैं। एक आपके जो चिकित्सालय होते हैं वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि वहाँ का जो ढांचा होता है वो, वहाँ की साफ़ सफाई, इनके मेंटेनेंस के लिए आपको कोई संस्था की आवश्यकता होती है। तो ये जो आपका राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी है ये क्या करेगा, यही कार्य करेगा कि वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था, ठीक है, और जो अन्य व्यवस्था होगी उसको स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकल लेवल पर ही जो है वो सुनिश्चित करने में मदद करेगा। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, किसको क्या करना पड़ेगा, वो सब छोड़िए आप, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक और बात की गई है कि राजस्थान में लगभग जो है 3000 के लगभग जो है राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाना है, जिसमें से अभी जो है 352 जो है उनका गठन किया जा चुका है, यानी कि उनको नंबर्स जो है वो अलॉट किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे सदस्यों के बारे में दे रखा है तो वो इतना हालांकि काम का नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि दो गैर राजकीय सदस्य जो होंगे उनमें जो है जो प्रगतिशील पशुपालक होता है यानी कि जिन्होंने 2 लाख का दान या फिर जो है 1 लाख रुपये तक का पशु चिकित्सालय के लिए या फिर 50,000 तक की दान की है, उनका मनोनयन जो है वो अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, यानी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी सदस्य या अध्यक्ष सदस्य बनाने के लिए। ठीक है, तो हालांकि बस ये है, इसका ये ध्यान रखिएगा कि ये है क्या चीज़। तो ये जो है जो एनिमल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है उनके अंदर साफ़ सफाई और इन सब के ध्यान रखने के लिए जो है स्थानीय स्तर पर जो है कार्य करने के लिए इनको बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मेडिकल विंग और वेलोड्रम का शिलान्यास। वेलोड्रम क्या है, जो साइकिलिंग करने के लिए ट्रैक बनाया जाता है उसको वेलोड्रम कहते हैं, साइकिलिंग वेलोड्रम। और जो मेडिकल विंग है इसका शिलान्यास किया गया है कहाँ पर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो कि बीकानेर में है वहाँ पर इसका जो है वो शिलान्यास किया गया है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो है यहाँ पर इन दो चीज़ों को जो है वहाँ पर बनाया है। नेक्स्ट आर्टिकल है बापू पौधारोपण योजना। तो देखिए इसके अंदर क्या है, तो पहली चीज़ तो है नाम से ही सिद्ध है कि पौधारोपण योजना है, तो पौधे ही लगाएंगे इसके अंदर, तो हो सकता है इसके ऊपर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन कोई ना बने, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें जो है नरेगा कन्वर्जेंस के तहत 5 जुलाई से 11 सितंबर तक नर्सरी विकास पोषण वाटिका और पौधारोपण का कार्य किए जाने का निर्णय जो है वो लिया गया है। तो ये पौधारोपण से संबंधित योजना है और इस योजना के तहत जो है 550 नर्सरियों का विकास किया गया है, साथ ही 14,000 से ज़्यादा पोषण वाटिकाएँ भी जो है वो विकसित की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जन आधार जो प्लेटफॉर्म है उस पर 171 योजनाएं जो हैं वो अब उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो ये जो जन आधार पोर्टल है यानी जन आधार प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे जो है जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाती है। तो इसमें जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं राजस्थान सरकार के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं तो वहाँ से जो भी लोक कल्याणकारी यानी कि पब्लिक वेलफेयर की जितनी भी योजनाएँ आती हैं उन सभी को यहाँ पर अपडेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उनका अपडेशन जो है वो किया जाता है ताकि जो लोग हैं वो उन योजनाओं से उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है वो देख सकें। अभी जो है जैसे हम विभिन्न डिपार्टमेंट की योजनाओं की तो उसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे उसको देखेंगे, लेकिन अगर आप जन आधार प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो वहाँ पर सभी योजनाएँ जो है एक ही जगह हमको जो है नज़र आ जाएंगी। एक जन आधार जो है कार्ड भी लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2020 से, आई थिंक उसको जो है जारी किया गया था, सभी के लिए अनिवार्य किया गया था। तो इसमें जो है ये पहले जो भामाशाह कार्ड होता था उसकी जगह इस जन आधार कार्ड ने ली थी। ये 10 अंकों का कार्ड होता था, 10 डिजिट्स का,
और इसके तहत जो है जितनी भी सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो इसी कार्ड के अंतर्गत जो है वो दिया जाने लगा था, जैसे कि DBT वगैरह जो होते हैं, कैश ट्रांसफ़र जो होता है, वो सभी जो है इससे जुड़े हुए जो महिला मुखिया हैं उन्हीं को जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। तो ये जन आधार कार्ड था, जन आधार कार्ड, उसका मोटो भी शायद यही था कि वन स्टेट वन कार्ड, ठीक है। और ये दूसरा है प्लेटफॉर्म, इसमें क्या है जो योजनाएं होती है वो अपडेट की जाती हैं, ठीक है। फिर है सो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है टोंक में मालव गणराज्य के जो है वो अवशेष मिले हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाह रही थी कि जो जन आधार प्लेटफॉर्म है इसी प्रकार से एक प्लेटफॉर्म और लॉन्च किया गया था जिसका नाम था जन सूचना प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उसके अंदर भी जो है जो सिटीजन सेंट्रिक जितनी भी योजनाएं हैं जितनी भी स्कीम्स हैं वहाँ पर जो है उनकी जो अपडेशन होता है वो आपको अवेलेबल होता था। तो एक जन सूचना पोर्टल भी, एक जन आधार प्लेटफॉर्म भी है, जन आधार प्लेटफॉर्म और एक जन आधार कार्ड भी है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया, यानी कि वन नंबर और वन आइडेंटिटी कार्ड। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, टोंक में मालव गणराज्य के अवशेष मिले हैं। तो देखिए ये जो मालव है ये एक जो है गणराज्य था हमारे प्राचीन भारत में, और ये जो है कहाँ पर स्थित था तो टोंक में स्थित था। टोंक का जो नगर कोट वाला जो इलाका है, नगर फोर्ट, वहाँ पर ये स्थित था। और अभी इसकी खुदाई के दौरान जो है यहाँ पर जो है इस गणराज्य के जो है कई सारे अवशेष मिले हैं, जैसे कि लोहे के सांचे, लोहे के पाइप वगैरह जो है यहाँ पर मिले हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले कि हाल ही में जो है किस गणराज्य के जो है अवशेष जो है वो राजस्थान के टोंक में दिखाई दिए थे, तो आप बता सकते हैं कि वो मालव गणराज्य के थे। या फिर पूछ लें जो मालव गणराज्य है उसका संबंध कहाँ से है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका संबंध जो है वो टोंक से है। तो ये तो था गणराज्य यानी कि जिसको रिपब्लिक कहते हैं हम। इसके अलावा जो है राजस्थान के अंदर एक जनपद भी थे, जैसे एक तो मत्स्य जनपद था, मत्स्य जनपद, ठीक है, एक शूरसेन जनपद था। तो ये जब आप जनपद पढ़ेंगे, महाजनपद वाले जो काल पढ़ेंगे, 16 महाजनपद थे, उसके अंदर दो महाजनपद हमारे राजस्थान में भी थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि एक चीज़ और कि जो है टोंक के अंदर जो है मालव गणराज्य के सबसे ज़्यादा जो है सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो ये भी एक जब आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा फैक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हमारे दो खिलाड़ियों के ऊपर है, इनका नाम आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हैं श्याम सुंदर स्वामी और दूसरे हैं अनिल जोशी। तो देखिए चेक रिपब्लिक वर्ल्ड पैरा रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है, और इस टीम में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी, पूछ लेंगे कि भाई इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, या फिर पूछ लेंगे कि कहाँ से संबंध रखते हैं, तो इनका चयन हुआ है। और उसके अलावा जो है कंपाउंड तीरंदाज श्याम सुंदर अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं, और इतना ही नहीं इन्होंने जो है पैरा ओलंपिक कोटा जो है वो भी हासिल किया है। उसके अलावा जो है टीम के कोच के रूप में राजस्थान के जो अनिल जोशी है उनको भी जो है इसके अंदर शामिल किया गया है, ये कोच हैं, इनको भी शामिल इसमें किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा जो है जुडिशरी को लेकर के है, तो उसके अंदर जो है हाईकोर्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो मुनीश्वर नाथ भंडारी जो है ये राजस्थान से संबंधित जज हैं, ठीक है, और इनको जो है अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस जो है वो नियुक्त किया गया है, कार्यवाहक, ठीक है, कार्यवाहक, परमानेंट नहीं, कार्यवाहक। इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ फैक्ट्स है वो हमें थोड़ा ध्यान में होने चाहिए। एक शायद कोई प्रिंसिपल का एग्ज़ाम था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है राजस्थान में जो चीफ जस्टिस हैं वो हाल ही में कार्यवाहक चीफ जस्टिस जो है वो किसको बनाया गया है, तो इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। यहाँ देखिए कि इससे पहले राजस्थान मूल के ही जस्टिस गोविंद माथुर को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो है चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जा चुका है, जो 2021 तक लास्ट रहे हैं। इसके अलावा अभी कार्यवाहक इनको बनाया गया है। अब देखिए राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है, सुप्रीम कोर्ट में 31 जज होते हैं, तो राजस्थान से दो जज जो है वहाँ पर जो है उनका ट्रांसफ़र हुआ है। एक तो है अजय रस्तोगी, ट्रांसफ़र नहीं प्रमोशन कहेंगे उसको, एक तो है जस्टिस अजय रस्तोगी और दूसरे हैं जस्टिस दिनेश महेश्वरी, तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट है चुन्नीलाल धाकड़ नाम के जो एक MP हैं उनका जो है, ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं और अभी इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, और ये जो है बेगू विधानसभा जो है जो चित्तौड़गढ़ में, वहाँ से इनका संबंध था, यानी मेवाड़ इलाके से इनका संबंध था। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें पर्सनली न्यूज़ का ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं हम, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा हितकारी निधि। हितकारी निधि क्या है कि अभी जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने घोषणा की है कि जो जितने भी शिक्षक हैं जो कि कोरोना महामारी के दौरान जो उन्होंने कार्य किया और उसमें उनकी भी मृत्यु हो गई, तो उनमें जो उनको जो हितकारी निधि मिलती थी उसको उन्होंने डबल कर दिया है, यानी कि पहले 1.5 लाख मिलती थी, अब जो है 3 लाख रुपए का पेमेंट जो है उन मृत शिक्षा कर्मियों के परिवार को जो है दिया जाएगा, हितकारी निधि से जो है वो दिया जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है, तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसका उन जितनी भी PDS वाली योजना है, उन सभी का लाभ जो है अब जन आधार कार्ड से मिलने लगेगा। जन आधार कार्ड हमने ऊपर ही पढ़ा था, जन आधार कार्ड में 10 डिजिट्स होते हैं और ये 1 नंबर 1 आइडेंटिटी के बेसिस पर ये कार्ड कार्य करेगा, ठीक है। तो जो भी महिला मुखिया होगी ना 18 साल से ऊपर, उनको जो है उनके नाम से जो है उनको महिला मुखिया मान करके जो है उनके नाम से आधार जो है वो लॉन्च किया गया है। तो देखिए, प्रदेश में जो आमजन है उनको लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टारगेटेड PDS के सभी लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आगामी 1 जुलाई से 10 लाख NFSA जो राशन कार्डधारी परिवार हैं उनके सदस्यों का जन आधार कार्ड से सीडिंग कराया जाएगा। और ऐसे परिवारों के सदस्यों की नामांकन एवं सीडिंग जन आधार में हो जाने से राज्य की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, इन सभी का लाभ जो है अपने आप यानी स्वतः ही जो है इन लोगों को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इनके अकाउंट्स जो है बैंक अकाउंट्स जो है वो इससे लिंक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नवीन तहसील बाड़मेर ग्रामीण को जो है मंजूरी मिली है। बाड़मेर में एक तो तहसील और एक उप तहसील को मंजूरी मिली है। तहसील का नाम होगा बाड़मेर ग्रामीण और उप तहसील का नाम होगा वहाँ की दूधवा, ठीक है। इसको नई उप तहसील बनाने के लिए जो है वो परमिशन दी गई है। फिर है, और इसके अलावा एक और उप तहसील है जिसका नाम है कल्याणपुर, इसको भी जो है तहसील के रूप में क्रमोन्नत जो है वो किया जाएगा। उप तहसील है, इसको तहसील बनाया जाएगा कल्याणपुर को। तो ये नाम हो सकता है पूछ ले, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर है दुर्गापुरा के अंदर, राज्य के जो कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया, उन्होंने दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर में जैविक उत्पाद विक्रय प्रोत्साहन स्थल का जो है वो शुभारंभ किया है। जैविक यानी कि जो ऑर्गेनिक जो उत्पाद होते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर केंद्र की शुरुआत की है। इस केंद्र की शुरुआत जैविक उत्पाद किसानों की बाजार तक पहुँच बढ़ाने और उपभोक्ताओं को आसानी से जो है प्रमाणिक जैविक उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए जो है वो की गई है। यानी कि किसानों को भी लाभ होगा और जो हम जैसे कंज्यूमर्स हैं जो खरीदते हैं इन चीज़ों को, उनको भी प्रमाणिक जैविक उत्पाद जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो मिल सकेगा। तो इसका जो है कहाँ पर किया है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर जो है इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। फिर है राजमाता निरंजना देवी जो है उनका भी निधन हो गया है। ये बांसवाड़ा जिले से संबंधी कुशलगढ़, जो आपने जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था लावा, नीमराणा और कुशलगढ़ जो है वो 3 स्वतंत्र हमारे जो थे वो क्या कहते हैं चीफ शिप्स थी, ठीक है। तो 3 जो चीफ शिप्स थी उसमें कुशलगढ़ जो है उसको आज का बांसवाड़ा कहा जाता है। तो वहाँ की ये राजमाता थी और इनका भी जो है निधन हो गया है। इसके अलावा जो है ये पहली ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त महिला रही हैं राजस्थान की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान राउंड अप में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर कुछ काम की चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर जिले का जो भोपालगढ़ है उसके मुख्य संपर्क मार्ग नागौर जिले की सीमा पर जो कड़वासरों की ढाणी से जोधपुर में भोपालगढ़ होते हुए खेड़ापा तक की अन्य जो सड़क है जिसको राजमार्ग जो है ODR 40 जो है उसको स्टेट हाईवे घोषित करने का जो है वो निर्णय लिया है। तो ये कुछ काम की न्यूज़ हो सकती है। दूसरा, जो हाथी सवारी में लगे जो 85 जो हाथियों के लिए जो है उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत जो है 57 लाख रुपीज़ जो है वो आर्थिक मदद जो है वो अलॉटमेंट की है, ताकि ये जो हाथियों का पालन करते हैं उनको कुछ सहायता दी जा सके। इसके लिए जो है 1500 रुपये प्रति हाथी प्रतिदिन की दर से जो है वो राशि जो है वो दे होगी। उसके अलावा जो है नेक्स्ट है, जलदाय और ऊर्जा मंत्री जो है जिनका नाम है BD कल्ला, उन्होंने जो है वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में उल्लेखनीय विकास कार्यों पर आधारित विकास पुस्तिका जारी की, जिसका नाम है प्रगति के पथ पर राजस्थान। इसका विमोचन जो है वो किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर कोई जो है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की न्यूज़ है, जिससे कुछ विशेष काम की चीज़ इसमें है नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पुरस्कार एवं सम्मान पे। तो पहला जो हमारा पुरस्कार है वो है पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड है। ये अवार्ड जो है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। पहले पत्रकारिता में, साहित्य में, ड्रामा, संगीत, इन सब में जो है आदि क्षेत्रों के अंदर जो है इस अवार्ड को दिया जाता है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इसकी घोषणा की जाती है। तो देखिए, ये जो अवार्ड है किस किस में दिया जाता है, पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, संगीत आदि। तो पत्रकारिता वाला अवार्ड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है चर्चा में रहता है। अभी इसमें जो है भारत की जो मेघा राजगोपालन है इसको पत्रकारिता की श्रेणी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता करने के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है।
ठीक है। तो इस अवार्ड में देखिए जो जनसेवा के लिए है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को, मतलब पत्रकारिता में कई सारे इसके अंदर कैटेगरीज बने हुए हैं, तो जनसेवा के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को अवार्ड दिया गया है। बाकी किसको दिया गया है हमारे लिए इतना काम का नहीं, क्योंकि ये जो अवार्ड्स हैं ये जब तक कोई इंडिया का व्यक्ति इसमें ना हो तब तक इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता नहीं है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो भारतीय मूल के पत्रकार हैं जिनका नाम है मेघा राजगोपालन, उनको जो है ये अवार्ड यहाँ पर मिला है। उसके अलावा एक इसके बारे में भी देख लगता है, अमेरिका में एक अश्वेत नागरिक थे जिनका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड, इसकी इनकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हुई थी, न्यूज़ भी काफ़ी वायरल हुई थी कि उनको जो है श्वेत पुलिस अधिकारी जो है उन्होंने इसकी इनकी जो है निशंत हत्या कर दी थी, तो उनको जो है उसकी पत्रकारिता करने वाली जो महिला थी जिनका नाम है डार्नेला फ्रेजर, उनको जो है विशेष सम्मान स्पेशल साइटेशन जो है इस पुलित्ज़र अवार्ड के तहत जो है वो दिया गया है, तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर जो है यहाँ पर पुलित्ज़र अवार्ड्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो हमने अभी पढ़ी ली है कि 1917 में इन पुरस्कारों को शुरू किया गया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है, इसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट रहे थे कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आज भी उनका फ़ोटो वहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए इसके अंदर जो है $15,000 की जो है पुरस्कार राशियाँ दी जाती है, वैसे इतनी काम की चीज़ें नहीं है, बस उनका नाम याद रखिएगा, भारतीय मूल की जो महिला हैं जिनका नाम है मेघा राजगोपालन, इनको जो अवार्ड मिला है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सुमिता मित्रा यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से जो है वो सम्मानित की गई हैं, तो देखिए ये भारतीय मूल की हैं लेकिन अमेरिका की रसायन शास्त्री हैं, और इनको जो है नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज़ के तहत जो है इस श्रेणी के तहत जो है ये पुरस्कार आविष्कारक यानी कि साइंटिस्ट का जो पुरस्कार है आविष्कारक का जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया है। तो ऐसा क्या काम किया है इन्होंने, तो देखिए जो दंत सामग्री होती है टीथ से रिलेटेड उसमें नैनो टेक्नोलॉजी को इन्होंने यूज़ किया है, इसलिए इनको जो है ये अवार्ड इसके तहत दिया गया है। तो देखिए यह जो पुरस्कार है यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नव प्रवर्तन पुरस्कारों में से एक है जो यूरोप और उसके बाहर के उत्कृष्ट आविष्कारकों यानी साइंटिस्ट को जो है इनोवेटर्स को जो है पहचान दिलाने पहचानने के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा जो है प्रतिवर्ष जो है वो दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 10 खिलाड़ी जो है उनको शामिल किया गया है, तो ICC ने टेस्ट क्रिकेट में जो उल्लेखनीय योगदान देने वाले विश्व के 10 खिलाड़ी हैं उनको ICC हॉल ऑफ फेम में एक विशेष संस्करण के तहत जो है वो शामिल किया है। इसमें निम्न पाँच युग यानी कि डेकेड्स के 10 दिग्गज क्रिकेटरों को शामिल किया गया है, तो देखिए जो 1918 है उससे पूर्व के जो क्रिकेटर हैं उसके अंदर ऑब्रे फॉल्कनर और मॉन्टी नोबल जो ऑस्ट्रेलिया के थे और ये ऊपर वाले दक्षिण अफ्रीका के थे इनको शामिल किया है। 1918 से 1945 के दशक के लिए जो है सर लैरी कॉन्स्टेंटाइन जो वेस्ट इंडीज़ के हैं और फिर है स्टेन मैक कैब ये ऑस्ट्रेलिया के इनको इंक्लूड किया है। 1946 से 1970 के लिए टेड डेक्स्टर को जो इंग्लैंड के हैं और वीनू माकंड जो भारत के रहे हैं इनको शामिल किया है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको स्पोर्ट्स जो है वो RS के एग्ज़ाम में भी पढ़ना है, तो ऐसे उठपटांग से सवाल पूछ लिए अगर वहाँ पर कहते हैं नंबर काटने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका नाम अंडरलाइन कर लेना है। फिर है डेसमंड हेंस जो वेस्ट इंडीज़ के हैं और बॉब विलिस इंग्लैंड के हैं। 1996 से 2016 में एंडी फ्लावर जो कि जिम्बाब्वे के हैं, कुमार संगकारा श्रीलंका के हैं और एंडी फ्लावर हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जिम्बाब्वे के पहले खिलाड़ी हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके नाम थोड़े से देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं पर कुछ पूछ लिया जाए। फिर है नेक्स्ट वीनू माकंड के बारे में, ये देख लिया आई गया है यहाँ पर, तो देखिए भारत के पूर्व ऑलराउंडरों में से एक वीनू माकंड को दूसरे विश्व युद्ध के बाद में शानदार प्रदर्शन के चलते ये सम्मान मिला है। ये जो है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी हैं, उनसे पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर नाम भी इसमें जो है वो शामिल किया जा चुका है। वीनू माकंड ने भारत के लिए 44 टेस्ट मैच खेले हैं और इनका रन वन तो छोड़िए, साथ ही इन्होंने असाधारण प्रदर्शन करते हुए 162 विकेट भी जो है वो लिए थे, तो ये इनका कुछ परफॉर्मेंस है, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं कि इनका संबंध, इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो टिक लगाने वाले में आप बता देंगे कि इनका खेल जो है संबंध जो है वो क्रिकेट से है। फिर है सो नेक्स्ट देखिए पर्यावरण संगठन फैमिली फॉरेस्ट्री के श्याम सुंदर ज्ञानी को जो है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया है। तो ये जो अवार्ड है ये कौन देता है, तो संयुक्त राष्ट्र के भूमि संरक्षण से संबंधित सबसे बड़ा जो संगठन है UNCCD जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसके द्वारा हर 2 साल में इस प्रकार का अवार्ड दिया जाता है जिसको बोलते हैं लैंड फॉर लाइफ।
तो इस बार जो है राजस्थान के जो है प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी जो है उनको इस एक अपनी नई पहल के लिए एक अवार्ड मिला है, जिस पहल का नाम है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। फैमिलियल फॉरेस्ट्री की अवधारणा का मतलब ये होता है कि एक परिवार जो है पेड़ को अपने घर का सदस्य के रूप में जो है उसको जोड़ता है, ठीक है। परिवार में पेड़ और पर्यावरण की देखभाल को स्थानांतरित करना ताकि एक पेड़ परिवार की चेतना का जो है वो हिस्सा बन जाए, तो एक नई पहल है, इसके लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला है। तो वर्ष 2021 के इस पुरस्कार का विषय जो है वो है स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन। हालांकि ये इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन इनका नाम जो है वो हमें ध्यान में रखना है। इसे भूमि संरक्षण और बहाली के संबंध में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो माना जाता है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड को। यह बेहद प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो दुनिया भर से सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों, अलग अलग क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जो है भूमि संरक्षण हेतु कार्य कर रही संस्थाओं और व्यक्तियों का मनोनयन जो है वो इसमें किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन पर कोस्टा रिका में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में इस पुरस्कार को जो है वो प्रोफेसर जियानी को जो है वो दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये जो प्रोफेसर साहब हैं इनको जो है UNCCD ने जो है इनकी जो पारिवारिक वानिकी अवधारणा है, जिसको हमने कहा फैमिलियल फॉरेस्ट्री, इसको अनूठा विचार बताया है। और उन्होंने कहा है कि पारिस्थितिकी अनुकूलन के लिए जो है ये काफ़ी सभ्यता के विकास में काफ़ी एक प्रभावी तरीका है। और इसके तहत जो है 15,000 से अधिक गाँवों के 10,00,000 से अधिक परिवारों को जोड़ते हुए जियानी की ओर से 25,00,000 पौधारोपण जो है वो कराया। हालांकि ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई व्यक्ति इस युद्ध स्तर तक जो है पेड़ों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। तो ये जो प्रोफेसर साहब हैं ये कहाँ से संबंधित है, श्रीगंगानगर से संबंधित है। इसके अलावा इनके बारे में आप पढ़ना चाहें तो आपकी डिटेल है, बाकी कोई विशेष इस पर क्वेश्चन बनता नहीं। सो अब जो बचा हुआ जो है इसमें कुछ भी नहीं बचा है, एक पेज ही बचा है, इसको हम पढ़ लेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आप बने रहिएगा चैनल के साथ में, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।